आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में। महिलाओं में जो वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज निकलता है या सफेद कलर का जो पानी निकलता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्यों निकलता है और इसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए ल्यूकोरिया को अच्छे से समझने के लिए और उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार और आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु जी। चलिए सीखते हैं। ल्यूकोरिया जो है वो एक महिलाओं में होने वाला डिसऑर्डर है, बेसिकली वुमेन रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें महिलाओं की वेजाइना से सफेद कलर का पानी या बाइल डिस्चार्ज निकलने लगता है। महिलाओं में लोअर एब्डोमिन पेन होने लगता है, लोअर बैक पेन होने लगता है और इसका जो डिस्चार्ज निकलता है, जो बाइल डिस्चार्ज निकलता है, उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। और अगर ये बाइल डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से निकल रहा है तो हो सकता है आपको फीवर भी आ सकता है, फीवर भी आए। जनरली ये प्रेगनेंसी में भी निकलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका निकलना नॉर्मल होता है और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है तब ये प्रॉब्लम है। और वैसे भी ये महिलाओं से बाइट डिस्चार्ज निकलना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब ये एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगता है तब हम इसको प्रॉब्लम कह सकते हैं। और इसमें जनरली इसका जो कॉजिंग फैक्टर होता है, जिससे कि आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, मतलब आप जो वेजाइना है उसको साफ नहीं रखते, उसका हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अनहाइजीनिक वेजाइना को रखते हैं, गंदा रखते हैं, बाल को साफ नहीं करते हैं, तो आपको ये ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ये मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके अलावा आप जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट, आप पॉर्न देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगा, तो जिस वजह से आपका वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेटिंग करते हैं तब भी आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आप फ्रीक्वेंटली अबॉर्शंस कराते हैं तब भी आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जो मैंने वीडियो का टाइटल दिया है कि एक दिन में ल्यूकोरिया को ठीक करें, तो इसमें जैसे कि ये बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, तो आपको एक किट आती है फास्ट थ्री किट, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और फ्लूकोनाजोल और सेक्निटाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। जो एजिथ्रोमाइसिन होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है और जो फ्लूकोनाजोल होता है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है और सेक्निटाजोल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। इसको यूज कैसे करना है, इसको एक किट को एक दिन में यूज करना होता है और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार एक किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली 98% केसेस में एक ही दिन में ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है। एक ही किट को यूज करने से महिलाओं का ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इस किट को आप चार वीक्स तक मतलब आप चार किटों का यूज कर सकते हैं, फोर किट्स का यूज कर सकते हैं, वीक बाई वीक आपको एक महीने में चार किट्स का इस्तेमाल हो जाएगा। तो अभी आपको इसको यूज कैसे करना है, देखिए इसमें जो एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम की जो टेबलेट होती है उसको आपको नाश्ता करने के बाद लेना है, एक टेबलेट होती है, एक गोली लेनी है। उसके बाद लंच करने के बाद दोपहर में आपको फ्लूकोनाजोल 150 mg की जो टेबलेट होती है, 150 mg की जो टेबलेट होती है उसको लेना है। उसके बाद डिनर टाइम में आपको डिनर से पहले सेक्निटाजोल 1 ग्राम की टेबलेट आती है उसको लेना है। लेकिन कई सारी किटों में ये सेक्निटाजोल की जो टेबलेट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 500 mg 500 mg। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सेक्निटाजोल की जो टेबलेट है 500 mg वाली वो डिनर से पहले लेनी है, फिर एक जो टेबलेट बचती है उसको डिनर के बाद ले लेनी है। इससे आपका ल्यूकोरिया जो है ठीक हो जाएगा एक ही दिन में। उसके अलावा आप जैसे वेजाइनल टैबलेट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे कि क्लोडेज B6, इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। ये वेजाइना में होने वाले इन्फेक्शन को इनहिबिट करता है और उसको क्योर करने में हेल्प करता है। अगर अब बात करें प्रिवेंशन की कि ल्यूकोरिया से बचा कैसे जा सकता है, तो पहली चीज तो आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, बालों को बिल्कुल साफ रखना है और वेजाइना को एकदम ड्राई रखना है। और उसके अलावा आपको मास्टरबेटिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि आप मास्टरबेटिंग करेंगे तो सेक्सुअल डिजायर आपके अंदर पैदा होते रहते हैं। उसके अलावा आपको पॉर्न बिल्कुल नहीं देखना, पॉर्न भी देखने से सेक्सुअल डिजायर स्टिमुलेट होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स जो है वो सिक्योर
डिस्चार्ज हो जाता है। उसके अलावा अगर आप सेक्स करते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, तो आफ्टर द सेक्स आपको वॉशरूम में जाना है, और वॉशरूम में जाने के बाद यूरिनेशन करना है, मतलब यूरिन पास आउट करना है, पेशाब करना है। उसके बाद उसको अच्छे से साफ कर लेना है, और टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं आप, नॉर्मल टिश्यू पेपर का यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अंडर गारमेंट जो है वो कॉटन का इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होता है कि जो ईयर का इन आउट है वो बना रहता है, मतलब ईयर जो है इजीली पास आउट हो जाती है कॉटन में, तो ऐसा आप कर सकते हैं, तो इससे आप काफी हद तक ल्यूकोरिया से बच सकते हैं, आपको ल्यूकोरिया की शिकायत नहीं होगी, सफेद पानी की शिकायत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं जो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, जय हिंद।